नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस के संबंध में। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस एक बहुत जटिल समस्या होती है जो व्यक्ति के पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है, उसको काम धंधे से रोक देती है और उसको घर पर बैठने को मजबूर कर देती है। आज हम बताएंगे साथियों आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपको इस समस्या से निकालने में बहुत मदद कर देंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस होती क्या है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस साथियों वर्टिब्री की बोन्स की वह स्थिति होती है कि जब आपकी बोन्स फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म कर देती है और इंटर्न जो लिगमेंट्स होते हैं बोन को जोड़ने के लिए उनमें स्टिफनेस पैदा कर देती है। तो जो आपकी वर्टिब्री फ्यूज़ हो जाती है, वर्टिब्री आपस में जुड़ जाती हैं, ऐसे अलग होती हैं वर्टिब्री, सात सर्वाइकल होती हैं, फिर थोरेसिक होती हैं, लंबर होती हैं, स्कॉडल होती हैं और सेक्रल होती हैं। तो ये जो 12 थोरेसिक, 7 सर्वाइकल और ये होती हैं, यह जो है वह अलग अलग होती हैं। लेकिन जब आपके एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस हो जाता है जो कि आपके ये सैक्रोइलियक जॉइंट से शुरू होता है, यानी जहाँ पे आपकी बोन ख़त्म होती है, बट स्पाइन ख़त्म होती है, स्पाइन की जो टर्मिनल बोन होती है वह डायरेक्टली जो है वह सैक्रम से जुड़ी होती है। तो सैक्रम के बगल में इलियम बोन होती हैं दोनों साइड, जो हिप रीजन की बटक बोन होती हैं। इन यहाँ से फाइब्रोसिस शुरू होती है, फ्यूजन शुरू होता है और यह आपकी पूरी स्पाइन में चला जाता है। तो यही स्थिति को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस कहते हैं। इसके साथ ही सिम्टम की बात कर लें। सिम्टम्स एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस के स्टिफनेस होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है या इनएक्टिविटी के बाद आपको जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है या इसका इनिशियल साइन होता है। अगर यह आप में है तो यहीं पे आप समझ जाइए कि हो सकता है आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस हो और आप HBLA-27 जो जीन होती है उसकी जाँच करा लें। अगर HBLA-27 पॉजिटिव आ रहा है तो संभावना है आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस होगी। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस साथियों रिब्स में भी हो सकती है, लिगमेंट्स में भी हो सकती है और सैक्रोइलियक जॉइंट में भी हो सकती है। फिर साथियों आ जाते हैं इसके कॉज पर। इसका बेसिक कॉज आज तक अननोन है, लेकिन माना जाता है HBLA-27 जो जीन होती है वह इसका ट्रिगरिंग कॉज होता है, उसके कारण आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस होता है। होता ही है साथियों, जो आपकी वर्टिब्री होती है इसमें टी सेल्स होते हैं। देखिए ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपने मर्ज़ को नहीं समझेंगे तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। आप किसी डॉक्टर पास जाएंगे, वो अपने मन से बात बताएगा, आप सुन के चले आएंगे। तो थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है, यही इस वीडियो का मकसद है। इसलिए हम आपको शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके बता रहे हो, लेकिन आपके काम आएगा। जो आपकी स्पाइन होती है साथियों, इसमें टी सेल्स होते हैं। जब यह टी सेल्स जो आपके स्पाइन के बोन के टर्मिनल पार्ट में होते हैं, यह हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और थोड़ा बोन का जो टिप होता है उसका वियर एंटियर शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जब ये वियर एंटियर होता है तो वहीं पे धीरे धीरे कैल्सिफिकेशन होने लगता है और इस रिपेयरिंग में छोटी छोटी नई बोन्स के रीजेस बनने लगते हैं। फिर वो थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो वो बोन्स को आपस में फ्यूज कर देते हैं और यही एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस होता है। आज हम साथियों आपको बताएंगे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। लेकिन उससे पहले साथियों बता देना चाहते हैं कि यह आपकी जानकारी के लिए दवाएं हैं, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करें न लीजिएगा। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे कारगर दवा साथियों जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस की होम्योपैथी में है वह है एस्कुलस हिप्पोकैस्टम। एस्कुलस हिप्पोकैस्टम एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस की बहुत कारगर दवा है। जब आपके कूल्हे की हड्डी में, पेल्विक रीजन में, यानी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, उस स्थिति में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस को ठीक करने की दवा एस्कुलस है। आप एस्कुलस 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके कूल्हे की हड्डी में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, सुबह के वक्त स्टिफनेस आ रही हो और वह पूरी स्पाइन तक एक्सटेंड कर रही हो। अगर यह स्थिति आप में हो तो
तो आपका ड्रग ऑफ द चॉइस एस्कुलस है। आप एक बार ये दवा लेके जरूर देखें, आपको लाभ होगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपकी गर्दन में स्पॉन्डलाइटिस हो गया और साथ में आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस है, तो अगर सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस के साथ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस आपको हो रहा है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सिमिसिफ्यूगा। आप सिमिसिफ्यूगा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो सर्वाइकल स्पाइन अगर एनकाइलोज हो रही है, फ्यूज हो रही है, ज्वाइन हो रही है आपस में, तो उस सिम्टम को ठीक कर देगी यह दवा जिसका कि नाम है सिमिसिफ्यूगा। 200 पावर में यह बहुत कारगर है, आप इसे इसको इंटेक करके दिन में 3 बार लाभ पा सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों फिर कि आपके कूल्हे की हड्डी में बहुत पेन हो रहा है, सेक्रोइलियाइटिस आपको हो गई एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस में, और आपके तीर ऐसा दर्द पैर के जांघ के पीछे के हिस्से से पैर में नीचे जा रहा है, अगर यह स्थिति आप में हो तो इस स्थिति में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस और यह जो आपके पेन हो रहा है कूल्हे की हड्डी से पैर में पीछे की तरफ नीचे जा रहा है यानी कि साइटिका, इसको ठीक करने की खासतौर से लेफ्ट साइड लेग में ठीक करने की सबसे अच्छी दवा है कोलोसिंथ। आप कोलोसिंथ 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह जो कूल्हे की हड्डी से नीचे पैर तक पेन जा रहा है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस में, यह पूरी तरह ठीक हो गया और आप स्वस्थ हो गए। दूसरी स्थिति साथियों आती है जो होम्योपैथी इसमें एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस में, वह है कि आपके पूरे स्पाइन में पेन हो रहा है। अगर आपके पूरे स्पाइन में पेन हो रहा है और जलन हो रही है साथ में, उस स्थिति को ठीक करने की और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस को ठीक करने की सबसे कारगर दवा है काल्मिया लेटिफोलिया। काल्मिया 32 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में आप ले लें जब आपके पूरा स्पाइन में पेन हो रहा है जो कि सैक्रम से कूल्हे की हड्डी से शुरू हो रहा है लेकिन ऊपर स्पाइन तक आ रहा है और सर्वाइकल तक आ रहा है और आपकी स्पाइन में जलन है, उस कंडीशन में आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा काल्मिया लेटिफोलिया है। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपको रीढ़ की हड्डी में इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि छूने से भी दर्द होता है, अगर यह स्थिति आप में हो कि छूने से भी आपके दर्द हो रहा हो बैक में, तो उस स्थिति को होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है एगेरिकस मस्केरिस। एगेरिकस मस्केरिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उसी स्थिति में ले सकते हैं जब एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस की स्थिति में लंबो सेक्रल बैक यानी लंबर और सेक्रल लोअर बैक आपके पेन ज़रा सा भी छूने पे हो रहा हो, टच पे भी एग्रवेशन हो रहा हो, तो होम्योपैथी में दवा एगेरिकस मस्केरिस है। यह आपके सिम्टम को सही कर देगी। और एक और पिकुलर सिम्टम है इस दवा का, वह है कि आपको ज़रा सा भी चलने से तकलीफ होती है, तो यह स्थितियाँ अगर आप में हैं तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस एगेरिकस मस्केरिस है। फिर साथियों एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस की बहुत अच्छी दवा आती है उस स्थिति में कि जब आपके सुबह के टाइम बहुत तकलीफ होती है स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में, बैक में, अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रस्टॉक्सीडेंड्रॉन। रस्टॉक्स 1 mg पावर दिन में 3 बार 2-2 बूंद आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको सुबह के वक्त बहुत स्टिफनेस होती है, जब आप चलने लगे तो आराम आ गया लेकिन सुबह उठे तो कदम चलना भारी है, पीठ में रीढ़ की हड्डी में इतनी दिक्कत है, उस स्थिति से निपटने की दवा रस्टॉक्स है। आप इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका बैक पेन भी खत्म हो गया और आपको जो सुबह के वक्त की मॉर्निंग स्टिफनेस है वह भी पूरी तरह ख़त्म हो गई। रस्टॉक्स के मरीज की तकलीफें आमतौर पर बरसात में पानी के काम से या भीगने के बाद ज़्यादा बढ़ती हैं। फिर साथियों एक दवा आती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस को ठीक करने की उस स्थिति की कि जब आपको चलने से तकलीफें बढ़ रही हैं, अगर यह स्थिति है कि आपको चलने से तकलीफें बढ़ रही हैं तो उस स्थिति में रीढ़ की हड्डी का दर्द ख़त्म करने की सबसे अच्छी दवा है ब्रैनिया एल्बा। आप ब्रैनिया एल्बा 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि जो एग्रवेशन हो रहा है वॉकिंग से, आपके तकलीफ हो रही है, आपके पेन हो रहा है स्पाइन में, उस स्थिति में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस को ब्रैनिया एल्बा ठीक कर देगी। फिर साथियों एक स्थिति में आती है कि जब आपको महसूस होता है कि आपकी हड्डी कमज़ोर हो गई, आपकी स्पाइन कमज़ोर हो गई, आपकी बैकबोन कमज़ोर हो गई, मरीज़ आते हैं क्लिनिक पे कहते हैं डॉक्टर साहब आप हमारी रीढ़ की हड्डी बोल गई, कमज़ोर हो गई, टूट गई, अगर वह स्थिति आपकी है तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जो आपकी इस कमज़ोर हुई हड्डी की स्थिति को ठीक कर देगी।
और दवा का नाम है काली कार्ब। काली कार्ब 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें। आप देखेंगे कि आपका यह जो कमज़ोर हुई रीढ़ की हड्डी है पूरी तरह ठीक हो गई और आप बेहतर महसूस करने लगे। फिर एक स्थिति आती है साथियों, जब आपके एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस है, रीढ़ की हड्डी में पेन है और आप हार्ड सरफेस पर लेटने से आपको आराम मिलता है, मतलब ज़मीन पर लेटने से आपको आराम मिलता है। अगर यह सिम्टम आप में है तो उस सिम्टम को ठीक करने की और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस को ठीक करने की बहुत बेहतर दवा होम्योपैथी में नेट्रम म्यूराटिकम। आप नेट्रम म्यूराटिकम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। उस स्थिति में कि जब आप सख्त बेड पर लेटते हैं, फ्लैट लेटते हैं, सीधे लेटते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। और आपको नमक खाना बहुत पसंद है, नमक खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, आप खाने में सारा नमक खाते हैं, तो आपका ड्रग ऑफ द चॉइस नेट्रम म्यूराटिकम है। फिर साथियों एक मस्ट हैव स्थिति जो आती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस के साथ कि जब आपके ऑस्टियोफाइट बनते हैं तभी आपकी बोन फ्यूज़ होती है, उन ऑस्टियोफाइट्स को घुलाने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है कैल्केरिया कार्ब। कैल्केरिया कार्ब 6x पावर में 4-4 गोली दिन में 4 बार गुनगुने पानी से आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस हो गई हो, आपका पॉस्चर चेंज हो गया हो, यानी आप आगे को झुक गए हों और आपको ऑस्टियोफाइट्स हो जिनको डिसॉल्व होना हो, तो उस पर्पस की दवा कैल्केरिया फ्लोरा यह आपको ठीक कर देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों, जब आपके एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस हो गया, कूल्हे की हड्डी में पेन हो रहा है और यह पेन दोनों पैरों में नीचे जा रहा है, अगर यह स्थिति है तो इस स्थिति को, पेन को और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है टेल्यूरियम। आप टेल्यूरियम मेटालिकम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका ये जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस के कारण लोअर बैक पेन एक्सटेंड हो रहा है, यह ठीक हो गया और आपके एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस भी ठीक होने लगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि ज़रा सा चले और दर्द होने लगा, चल नहीं पा रहे हैं। अगर यह स्थिति आपके है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस में तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कोनियम मैक्युलेटम। आप कोनियम मैक 1 mg पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली उस कंडीशन में ले सकते हैं। जब आपको लगा ज़रा सा भी चले तो चल नहीं पा रहे हैं, कमजोरी आ गई, पेन बढ़ गया, उस स्थिति को ठीक करने की, आपके पेन को ठीक करने की और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा कोनियम मैक्युलेटम है। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपकी नेक बहुत स्टिफ हो गई, यहाँ की सर्वाइकल वर्टिब्रे जो आपस में फ्यूज़ हो गई, एनकाइलोज हो गई और आपके नेक में बहुत स्टिफनेस आ गई, अगर यह स्थिति है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ग्वाइकम। आप ग्वाइकम का मदद 3-4 10 बूंद सुबह शाम, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम पी लें, आप देखेंगे कि आपकी स्पाइन फ्री हो गई, उसकी स्टिफनेस ख़त्म हो गई और आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए और आपके एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस भी ठीक होने लगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस हो गई और आपके यहाँ पर सर्वाइकल स्पाइन में इतना पेन है कि वो सर तक बना हुआ है, तो अगर यह स्थिति हो आपके कि आपके एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस हो, साथ में हेडेक हो जो माइग्रेन तक आपको कन्वर्ट हो रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सेलिसिया। आप सेलिसिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस के कारण होने वाला हेडेक ख़त्म हो गया, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस के कारण होने वाला माइग्रेन ख़त्म हो गया और स्पाइन भी आपकी जो ऑस्टियोफाइट है वह डिसॉल्व होने लगे, आपके स्पाइन की स्टिफनेस कम हो गई और आपका हेडेक भी ख़त्म हो गया। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस हो गई और आपके जो शोल्डर की यह मसल्स हैं इनमें स्टिफनेस आ गई, अगर यह स्थिति आप में हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैल्केरिया कार्ब। कैल्केरिया कार्ब 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आप फेयर फैट एंड फ्लैबी हो, आपके सर से पसीना ज़्यादा आता हो और आपके एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस से यह सब पेन हो गया हो शोल्डर मसल्स में, शोल्डर ब्लेड में बल्कि कहा जाएगा, तो उसकी दवा होम्योपैथी में कैल्केरिया कार्ब है। कैल्केरिया कार्ब के मरीज के यहाँ नीचे भी ये जो शोल्डर ब्लेड होता है यहाँ पर भी बहुत पेन होता है, नीचे की तरफ उतरता है, यह स्थिति हो तो आप कैल्केरिया कार्ब ले सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस में कि जब सिचुएशन इतनी वर्स हो गई कि आप पैरालिसिस तक की स्थिति पैदा हो गई, अगर यह स्थिति आपको होती है कि एक पैरालिसिस तक की स्थिति आप में पैदा हो रही है
तो उस स्थिति को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में सल्फर है। आप सल्फर वन एम की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। आप देखेंगे कि यह दवा लेने से आपके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस भी ठीक हो गई, जो इसके कारण पैरालिसिस से आपके नर्व कंप्रेशन हो रहा है स्पाइन में वह भी ख़त्म हो गया और आपके नॉर्मल हैंड्स और लेग्स जो हैं लोअर अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वह नॉर्मल हो गई। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस है और आपके मसल्स में क्रैम्प्स आने लगे, खिंचाव आने लगा, ऐंठन होने लगी स्पाइन में। अगर यह स्थिति आप में होती है और आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस डिटेक्टेड है तो इस स्थिति को इन क्रैम्प्स को ख़त्म करने की सबसे अच्छी दवा होम्योपैथी में एसिड फॉस्फोरिकम है। आप एसिडम फॉस्फोरिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपके स्पाइन में होने वाले क्रैम्प्स आने वाले क्रैम्प्स भी ख़त्म हो गए और आपका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस भी ठीक होने लगा। एक स्थिति साथियों आती है कि जब आपके स्पाइन में पेन होने लगा सेक्सुअल एक्सेस से, यानी जब आपने इंटरकोर्स करा उसके बाद आपके स्पाइन में पेन होने लगा। अगर यह स्थिति आप पे होती है कि आपके स्पाइन में पेन हो रहा है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सिम्फाइटम। अब सिम्फाइटम ऐसे तो सिम्फाइटम हड्डी जोड़ने के काम आती है, हम सबको मालूम है, लेकिन सिम्फाइटम इस स्थिति की बहुत अच्छी दवा है। मैं आपको तजुर्बे से बता रहा हूँ कि जब भी कभी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स हो उसके बाद आपको पेन हो रहा हो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस के कारण, तो आप सिम्फाइटम का मदर टिंचर पी लें, आपका पेन ख़त्म हो जाएगा और आपका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस भी ठीक होने लगेगा। ये साथियों कुछ दवाएं थी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस के विषय में। उम्मीद करते हैं दवाएं आपको इस समस्या से दिक्कत से निकालने में आराम देंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा हो साथियों तो आप YouTube नोटिफिकेशन पैनल पर मेंशन कर सकते हैं या हमारे WhatsApp नंबर 9415786380 पर क्वेरी WhatsApp कर सकते हैं, आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। अगर साथियों आपको यह प्रयास पसंद लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा के सबसे पहले सबसे नए वीडियो इसी तरह प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ रहने के लिए, बात सुनने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।